This video is all about Banaras Hindu University BCom entrance preparations timetable. जैसा कि मैंने BA entrance के लिए timetable provide किया था, अब बच्चों की request आ रही थी BCom से related कि दीदी BCom से related timetable provide कर दीजिए. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए timetable provide कर रही हूँ, but एक promise ज़रूर चाहती हूँ, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहते, कम से कम अपना बनाया हुआ टाइम टेबल पूरी तरीके से फॉलो करिएगा, क्योंकि आपको अब एग्ज़ामिनेशंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 घंटा देना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस 30 से 25 डेज़ के अंदर में है. इस चीज़ को देखते हुए अपना एक रूल बनाओ कि ये रूल है, हमें एग्ज़ामिनेशंस के लिए अपना टारगेट FOC BHU चूज़ करना है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज़ करना है. उसके लिए हम पूरी डेडिकेशंस के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, घर में एक कोने में बैठ के, जहाँ सफिशियंट लाइट हो और 8 से 9 घंटा कंटिन्यूस, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, गैप ले लेके पढ़ाई करोगे और हाई स्कोर करने का पूरा अपना ट्राई करोगे. 100% की जगह 200% दोगे अपने प्रिपरेशन को. इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये जो टाइम टेबल मैं बता रही हूँ आपके टाइम टेबल के साथ कितना मैच करता है, और कंफर्ट लेवल से निकल के, क्योंकि मैं आपको स्पून फीड नहीं करने वाली, ना ही मैं कहूँगी कि किसी और से बनाया हुआ खाना लेके खा लो जिससे तुम्हारा एंट्रेंस निकल जाएगा, ऐसा नहीं कहूँगी. आपको अपनी सेल्फ स्टडी खुद से करनी होगी. यहाँ पे BHU इन्फो मीडिया आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, कंप्लीट हेल्प आपको खुद से खुद की करनी होगी. तो जो टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, मैं मोस्टली चाहती हूँ कि आप इसको इसी तरीके के टाइम टेबल को बनाओ और फॉलो करो. आपके BCom के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल बनाया जा रहा है. BCom में एक डिसएडवांटेज ये है, जैसा अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में 11th 12th के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, BCom में आपके 11 टोटल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए, या 11 टॉपिक्स आप इसको कह सकते हो. अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, FM और FSA हो गया आपका, फिर आपका मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, ये हो गए आपके 8 टॉपिक, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स हो गया आपका 9-10 टॉपिक, और एक टॉपिक है आपका कंप्यूटर. ये 11 टॉपिक आप 9 घंटे में कैसे कवर करोगे, यहाँ पे मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि आपको एक दिन में एक टाइम पे 1 से 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ सकते हैं. इसको आप अल्टरनेटिवली डिवाइड कर सकते हो, 2-2 दिन पे एक सब्जेक्ट को पूरा तरीके से टाइम दे सकते हो. मैं सब कुछ बताऊँगी क्या मैं कह रही हूँ कि 11 सब्जेक्ट्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, और इतना लेंदी सिलेबस कुछ भी नहीं है. वरुण कुमार राय की किताब आपके लिए बहुत सफिशियंट है, जो कि BHU इन्फोपीडिया के टेलीग्राम पे है, और जो बच्चे ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वरुण कुमार राय की किताब हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है. टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे ज्वाइन करके वो किताब ले सकते हैं. फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, पसंद आएगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप ऑन द टाइम टेबल. यहाँ पे मैंने डेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने टाइम स्लॉट लिखा हुआ है, जो कि अभी आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से आप टाइम टेबल नोट डाउन अभी फिलहाल कॉपी में कर लेना. वीडियो के एंड में मैं एक फोटो डाल दूंगी जिससे आप अपना टाइम टेबल समझ सकते हो एकदम क्लियर से. अगर वीडियो में समझ नहीं आएगी मेरी हैंड राइटिंग तो फोटो से आपको समझ आ जाएगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना. आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है डेज संडे, फिर मंडे से लेकर सैटरडे एक ग्रुप में मैंने लिख दिया है. टाइम स्लॉट है आपका सुबह 6:30 से 7:30 बजे का पहला, दूसरा है 9:30 से 11 बजे का, थर्ड जो मॉर्निंग का टाइम है वो 11:30 से 12:30 बजे का है. यहाँ 9:30 से 11 से पहले आपकी डेली BHU इन्फोपीडिया के साथ लाइव क्लास होती है हमारे YouTube चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ संडे को छोड़ के. तो लाइव क्लास को भी देखते हुए मैंने ये टाइम टेबल मैनेज किया है, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से मैनेज कर सकते हो. 3 से 4:30 बजे तक की आपकी इवनिंग की टाइमिंग स्टार्ट होती है, बीच में गैप है, काफ़ी अच्छा गैप है जिसमें आप सो सकते हो, फ्रेशन अप हो सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपका मन है आप वो कर सकते हो. फिर आपकी टाइमिंग है थोड़ा सा गैप लेके 5:30 से 6:30 बजे तक की, फिर 7:30 से 8:30 बजे तक की शाम की, फिर 9:30 से 10:30 वाली टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और 11 से 6 आपकी टाइमिंग है सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग टाइमिंग है, और क्योंकि सुबह आपको 6:30 से फिर से अपनी ये रूटीन को फॉलो करना है. सबसे पहले जो टाइमिंग है वो है संडे की. संडे को आपको 6:30 बजे मत उठना, मत कोई ज़रूरी नहीं है कि 6:30 बजे ही संडे को उठो, आराम से भी उठ सकते हो. उस दिन आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन पेपर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का, 2015 का, 2019 का, 2014 का, ऐसे करके दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है इन दो टाइमिंग पे, 9:30 से 11 एक पेपर, 11:30 से 12 दूसरा पेपर। यहाँ दो पेपर सॉल्व करने का ये मतलब होगा कि आपके पास प्लेंटी ऑफ डाउट्स भी हो सकते हैं या आपका प्लेंटी ऑफ सिलेबस आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा तो आपके पास कम डाउट होंगे। जब आपके पास अगर यहाँ पे कोई डाउट बचते हैं दोनों पेपर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आप पेपर को एनालाइज करोगे, अपने आप को चेक करोगे कितना सही क्वेश्चन किया है कितना नहीं किया है, जो डाउट होगा वो यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। अब ये डिस्कशन कहाँ होगा, VHO Infopedia के टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। डिस्कशन हो गया या आप गूगल से आंसर सर्च करोगे, ठीक है। ये टाइम आपका 3:30 से 4:30 वाला या 5 से 6:30 वाला आपको नोट्स प्रिपेयर करना है किस चीज़ का, जो आपके डाउट्स हैं, ठीक है। ये आप करंट अफेयर्स पे भी टाइम दे सकते हो, और रात में क्या करना है, जो डाउट्स आपने लिख लिए हैं, सारे डाउट्स के आंसर लिख लिए हैं, उसको एक कॉपी में एक पेज पर लिख लेना, और यहीं जो आपके डाउट्स जो आपने लिख लिए हैं रिटन डाउट्स होंगे वो आप मंडे को सुबह रिवाइज करोगे, सुबह 6:30 से 7:30 के सुबह डेली आपको रिविजन करना है, मंडे से लेकर सैटरडे, और संडे को फिर से दोबारा आपको पेपर सॉल्व करना है, जिससे आपको रोज अपना टारगेट हर वीक के हिसाब से टारगेट 4 वीक के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट फिर से याद दिला दे रही हूँ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 600 मार्क्स है, जिसमें से आपको 420-425 तक अराउंड स्कोर करना ही होगा। अब बात करते हैं मंडे से सैटरडे तक, यहाँ पे जब आपने अपना लास्ट डाउट क्लियर आउट किया है, रिवाइज किया है, यहाँ पे आप अपना एकदम फ्रेश माइंड से हो 9:30 से 11 बजे, यहाँ पे आप अपना इकोनॉमिक्स ले सकते हो। इकोनॉमिक्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको रिपीटेड दिख जाते हैं, तो आप अपना इकोनॉमिक्स में, अभी आपका माइक्रो सेक्शन है, मैक्रो सेक्शन है, क्लास 11 का है, 12th का है, अगर आप इकोनॉमिक्स यहाँ नहीं पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपना अकाउंटेंसी भी रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो टाइमिंग है वो 11:30 से 12 वाला टाइमिंग है, यहाँ पे आप अपना टाइमिंग के लिए यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट, कोई एक सब्जेक्ट को 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, वेनसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे करके डिवाइड कर सकते हो। मंडे ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेनसडे थर्सडे को हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, फ्राइडे सैटरडे को पढ़ेंगे हम बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपके पास आ गया है 3:30 से 4:30 बजे वाला टाइमिंग, जिसमें आप अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मार्केट या मैनेजमेंट और FSA को डिवाइड कर सकते हो। अकाउंटेंसी को 3 दिन दे देना, FM को 1 दिन दे देना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को 2 दिन दे देना, मतलब कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपका अकाउंटेंसी, थर्सडे को आपका FM, और FSA को आपको 2 दिन देना है, मतलब कि फ्राइडे और सैटरडे, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ भी प्रिपेयर हो जाएगी अगर डेली इस चीज़ को फॉलो करते हो तो। अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो, कम टाइम भी दे सकते हो, मुझे तो सबकी कैपेबिलिटीज़ पता नहीं है, मैंने कुछ बच्चों से जैसे इंटरेक्ट करती रहती हूँ लाइव सेशन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि FSA में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स में डाउट है, तो मैंने मैक्सिमम टाइम आपको दे दिया है 1.5 घंटे का, और यहाँ पे भी 1.5 घंटे का। अब हम चलते हैं इवनिंग वाली जो टाइमिंग हमारी 3:30 से 4:30 बजे वाली स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैथ्स और कंप्यूटर, इन दोनों को, मैथ्स को अगर आप 4 दिन भी देते हो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तक, फिर फ्राइडे सैटरडे अपना कंप्यूटर को दे सकते हैं पूरा का पूरा 1 से 1.5 घंटा। मैथ्स अगर आप चाहते हैं तो सोने के बाद दोपहर में 3:30 से 4:30 बजे भी मैथ्स लगा सकते हैं, और अकाउंटेंसी को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर को 2 दिन मैक्सिमम आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। 1/2 घंटा भी देते हो अपने कंप्यूटर को और डेली कंप्यूटर पढ़ते हो, या डेली मैथ्स के साथ कंप्यूटर दोनों को साथ में पढ़ते हो, तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो टाइमिंग है आपकी यहाँ पे 7:00 से 8:30 बजे की, ये है आपका करंट अफेयर्स की टाइमिंग। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स लास्ट ईयर से लेके प्रेजेंट ईयर तक का पढ़ना है, 2020 से लेके 21 तक का पढ़ना है, और काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें भी पढ़ने हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 1.5 घंटा आपके लिए सफिशिएंट डाल दिया है। करंट अफेयर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो इस हिसाब से अगर आप 1.5 घंटा देते हो और कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो ये टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़ना है, किताबों का नाम भी मैंने बताया हुआ है, मैगजीन्स भी बताइए, प्रतियोगिता, दर्पण वगैरह, आप न्यूज़पेपर वगैरह, अभी इस सारी चीज़ों को सर्च मत करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप इंटरनेट से देख सकते हो, स्कीम्स, पॉलिसीज, यूनियन बजट, कोविड, ये मेजर टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल अफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वाले। इसके साथ ही साथ आपको RBI से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। अब मेजर टाइम आ चुका है 9:30 से 10:30 बजे का, ये जो तुमने पूरा दिन भर में अपनी किताबों से चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ा है वो यहाँ पे आपको करना है क्विक रिविजन, रिविजन क्विक या क्विक रिविजन, जो भी आप बुलाओ, जो भी तुमने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है 8:30 बजे तक का, 1 घंटा खाना खाने के बाद आपको फिर से करना है इसका क्विक रिवीजन, और समझना है कि क्या क्या पढ़ा है, अपना एक लेना है सेल्फ टेस्ट, और जो टेस्ट में तुम्हें डाउट्स लगते हैं उसको नोट डाउन करने के बाद
फिर से ट्यूसडे को रिवाइज करना है, डेली सुबह रिवाइज करना है, फिर इसको प्रिपेयर करना है, फिर टेस्ट लेना है और फिर आपका सुबह रिवाइज होगा। इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। और अगर आपको ये टाइम टेबल पसंद आता है तो कमेंट करना, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी होंगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे। और अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप टाइमिंग शिफ्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट शिफ्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। आई गेस सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। और ये जो टाइमिंग है सोने वाली, इसको भी फॉलो करना है कि हमें 7 से 8 घंटा सोना ही सोना है, नहीं तो हमारा सुबह अच्छे से हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे, फ्रेश नहीं लगेंगे। और फिर इसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। आई गेस आपका जो टाइम टेबल आपने इतने दिनों से फॉलो किया होगा वो इससे थोड़ा बहुत मैच किया होगा। अगर नहीं मैच किया होगा, अगर आपको चेंज करना है, तो ये टाइम टेबल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई गई है, आपको भी अब मेहनत करनी है। ये प्रॉमिस कर दो BHU इन्फोपीडिया के साथ कि तुम्हें स्कोर अच्छा करना है और अपना रिजल्ट BHU इन्फोपीडिया को दिखाना है, जिससे BHU इन्फोपीडिया एकदम प्राउडली कह सके कि आप BHU इन्फोपीडिया के स्टूडेंट हो। अगर कोई और डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, 30-40% आपको क्वेश्चन रिपीटेड नजर आ जाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रिपेयर वेल। साइनिंग ऑफ, टाटा।